Hello student of standard first. In this particular video we will read English grammar. Today we will pay our attention towards worksheet number 6. Okay, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम English grammar में worksheet number 6 को solve करेंगे. यदि हम वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर समझना होगा. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उस कॉन्सेप्ट की. तो बच्चों आज कौन सा कॉन्सेप्ट की डिस्कस करने हैं, हम बताएं जल्दी से कौन सा कॉन्सेप्ट है. यस, कॉन्सेप्ट है हमारा लॉन्ग डबल ओ वर्ड्स एंड शॉर्ट डबल ओ वर्ड्स. वी कैन से दैट लॉन्ग ओ ओ वर्ड्स एंड शॉर्ट ओ वर्ड्स. देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं ना तो वहां पर हमें कितने वर्ड्स के अंदर क्या होता है, डबल ओ दिखाई देता है, राइट. जैसे मैंने बोला जूम झेड डबल ओ एम, फिर बोला टुक टी डबल ओ के. तो देखिए दोनों जगह आप देखिए जूम की स्प्रिंग देखिए, टुक की स्प्रिंग देखिए, डबल ओ नजर आ रहा है. यस, आर यू लुकिंग डबल ओ? यस यस. सो द डबल ओ साउंड इज डिफरेंट इन द अबोव टू वर्ड्स. वन हैज लॉन्ग डबल ओ साउंड एंड वन हैज ए शॉर्ट डबल ओ साउंड, ठीक है ना. अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहां पर आप वर्ड देखिए, जैसे हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉन्ग डबल ओ वर्ड्स एंड शॉर्ट डबल ओ वर्ड्स. देखिए क्या होता है कि जहां डबल ओ वर्ड्स का यूज होता है कहीं पर जो हमारा जो साउंड होता है वो साउंड कैसा होता है, लॉन्ग होता है. कैसा होता है, लॉन्ग. और कहीं जगह हमारा साउंड कैसा होता है बच्चों, शॉर्ट होता है. जैसे हमने बात करी देखिए जूम, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ दुनिया शान से जूम, राइट. यहाँ कहीं ना कहीं जो डबल ओ वर्ड्स है ना इसका लॉन्ग साउंड है. इसका कैसा साउंड है, लॉन्ग. एक और मैंने बोला टुक, टी डबल ओ के टुक. देखिए यहाँ पर डबल ओ का साउंड कैसा है, अरे भाई शॉर्ट है. आया ना समझ में, जूम टुक जूम टुक. आया समझ में. तो ये क्या हो रहा है, यहां पर द डबल ओ साउंड इज डिफरेंट इन द अबोव टू वर्ड्स. वन हैज ए लॉन्ग डबल ओ साउंड किसमें बच्चों, एज इन जूम, एंड द अदर हैज ए शॉर्ट डबल ओ साउंड एज इन टुक. अंडरस्टूड. अब देखिए हम वर्कशीट नंबर 6 को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं. ये हम पीडीएफ आपको भेजेंगे, थोड़ा यहां पर समझते जाइए. देखिए हमको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिए आप, लुक फॉर द डिफरेंट साउंड. वी हैव टू लुक बोथ द साउंड. It is makes the long double O sound as in zoom, color them pink. देखिए जहां भी double O का sound long आ रहा है ना वहां पर कौन सा color करोगे बच्चों, pink color. Okay. If it make the short O sound या short double O sound as in took, तो आपको कौन सा color करना है वहां पर, जहां short sound होगा वहां पर red color करना है. समझ में आ गई बात, कौन से दो color करना है, pink and red. जहां long है वहां pink, जहाँ शार्ट है वहाँ पे लाइक ग्रेट. तो तैयार है, देखिए आप. अब सबसे पहले हम देखते हैं कूल लॉन्ग कौन सा कलर करोगे, पिंक. फू कौन सा भाई, आर डबल ओ टी रूट, यहाँ पे भी क्या है, लॉन्ग साउंड. एन डबल ओ एन नून, लॉन्ग साउंड. डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, लॉन्ग साउंड. ओके, एल डबल ओ पी लूप, लॉन्ग साउंड. आर डबल ओ एफ रूफ, लॉन्ग साउंड. एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, लॉन्ग साउंड. बी ए एम बी डबल ओ बम्बू, लॉन्ग साउंड, है ना. ये सब हम कौन सा कलर करेंगे, पिंक. अब शार्ट साउंड देखिए आप, लुक शार्ट साउंड. स्टूड एस टी डबल ओ डी शार्ट साउंड. बी डबल ओ के बुक, शार्ट साउंड. टी डबल ओ के टुक, शार्ट साउंड. सी डबल ओ के कुक, शार्ट साउंड. गॉट माई पॉइंट एवरीबडी, समझ में आया ना बच्चों, लॉन्ग साउंड एंड शार्ट साउंड. Understand? बस ये हो गई हमारी कौन सी, वर्कशीट नंबर 6. अब हम आइए वर्कशीट नंबर 7 पे. देखिए यहाँ पे दोनों चीज को हमको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना मेरी बात. रीड अलाउड इस सेंटेंस, आपको इन सेंटेंस को जोर से पढ़ना है. एंड सर्कल द लॉन्ग डबल ओ साउंड एंड अंडरलाइन द शार्ट डबल ओ साउंड. जिसका शार्ट डबल ओ साउंड है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और जिसका लॉन्ग साउंड है डबल ओ का उस पर हम सर्कल करेंगे. देखिए पहला सेंटेंस, लुक एट द मून. फिर से सुनिए, लुक एट द मून. तो भाई ये देखिए लॉन्ग साउंड किसका जा रहा है, मून का जा रहा है ना, ये वाले डबल ओ का. तो इसको क्या कर देंगे हम, सर्कल. और लुक इसका शार्ट साउंड आ रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन. अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई टुक द
स्पून, ठीक है ना। अब देखिए स्पून का कैसा साउंड जा रहा है आपका, लॉन्ग ओ साउंड जा रहा है, इसमें हमने सर्कल कर दिया है, और टुक का शार्ट डबल ओ साउंड जा रहा है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। आया समझ में? लुक शार्ट मून लॉन्ग, टुक शार्ट स्पून लॉन्ग, ओके। देख सकते हैं मून और स्पून को, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी वर्कशीट के ऊपर। अब आगे देखिए द थर्ड नंबर का सेंटेंस, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ऐसा नहीं वुड, नो, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ओके। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई सा ए कंगारू इन द जू, आई सा ए कंगारू इन द जू, राइट। तो देखिए कंगारू में शार्ट साउंड है, हमने अंडरलाइन करा, जू के अंदर लॉन्ग साउंड है, हमने इसको सर्कल किया। अगला सेंटेंस देखिए, दिस फूड इज गुड, फिर से देखिए, दिस फूड इज गुड, शार्ट साउंड किसका है, गुड का, इसको हमने अंडरलाइन करा। लॉन्ग साउंड किसका है, कौन से वाले डबल ओ का है, एफ के साथ वाले, एफ डबल ओ डी, दिस फूड इज गुड, अंडरस्टूड। अगला देखिए आप, माय फूड गोस इन द बूट, माय फूड गोस इन द बूट, यहाँ पे जो बी डबल ओ टी बूट है ना, समझ रहे हो, माय फूड बूट मतलब शूज, राइट। माय फूड गोस इन द बूट, बूट का लॉन्ग साउंड है तो हम इसको सर्कल करेंगे, फूड का शार्ट साउंड है तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ओके। फूड को क्या करेंगे बच्चों, अंडरलाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू सी रेमिंग वर्ड्स, नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, रेमिंग। अब देखिए रेमिंग वर्ड्स में बताता हूँ क्या होता है कि रिदम इसके अंदर मैच होती है, इसमें क्या होता है, वर्ड्स रेम व्हेन दे हैव द एक्सैक्ट सेम एंडिंग साउंड, कब वो रेम होते हैं, कब उनको हम रेमिंग बोलेंगे, किस केस के अंदर, एग्जैक्ट सेम एंडिंग साउंड, जब उनका एंडिंग साउंड एग्जैक्ट सेम रहता है। देखिए जैसे रेट बेड फेड कैट मेट बेट, सेम साउंड है ना, बट एम आई राइट, सेम साउंड है बिल्कुल। देखिए इसी बेस के ऊपर, रैमिंग वर्ड्स के बेस के ऊपर हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 8 को और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इस वर्कशीट नंबर 8 में क्रॉस आउट द वर्ड दैट डज नॉट रैम इन ईच रो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, जो रैमिंग साउंड नहीं हो, जो रेमी ना हो, आप उसको क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। हम देखें कौन सा रेमी है कौन सा नहीं है, हम पढ़ेंगे अपने आप आना पड़ेगा। फैट रेट फेड सेट, अब देखिए फेट रेट सेट ये एक जैसा है लेकिन अलग कौन सा है, ड आ रहा है, समय ट आ रहा है लास्ट के अंदर, तो ये रेमी है, बट फेड में ड आ रहा है तो ये रेमी नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये फेट रेमी नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ओके। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, नट हट बट एंड हैट, अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए आप क्या हो रहा है, देखो नट सेम हट सेम बट सेम बट हैट डिफरेंट, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, हॉट नॉट कॉट बॉट, देखिए क्या है, बॉट हॉट कॉट सेम बट नॉट डिफरेंट, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। फोर्थ सेंटेंस देखिए, पिन विक विन एंड फिन, अब देखिए पिन विन फिन, पिन विन फिन सेम है, अब डिफरेंट कौन सा है, विक, इसको क्रॉस कर दीजिए। अगला देखिए, गोल्ड फोल्ड बोल्ड वुड, अब यहाँ पे देखिए गोल्ड देन फोल्ड देन बोल्ड, सेम रेमिंग बट वुड इज डिफरेंट, क्रॉस आउट दिस। सिक्स नंबर का सेंटेंस देखिए, अब सिक्स नंबर देखिए, बोट गोट कॉट स्पो, देखिए क्या है ये, बोट गोट एंड कॉट दे आर रेमी वर्ड बट स्पोक इज डिफरेंट, इसको हम क्रॉस आउट करते हैं। गॉट माई पॉइंट, समझ में आया ना आपको रेमी वर्ड का कॉन्सेप्ट, एक वर्कशीट और करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए हम वर्कशीट नंबर 9 पे आते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है, एलेक्स द एलिगेटर, ये देखिए रहा हमारे भैया एलिगेटर भैया, हैज मिक्स्ड सम वर्ड्स, इन्होंने क्या करा, ही मिक्स सम वर्ड्स ऑफ डिफरेंट साउंड, सब साउंड के वर्ड को मिक्स कर दिया है। अरे यार एलिगेटर क्यों करा आपने ऐसा है, वारे वेरी बैड, अब हमको वर्क करना पड़ेगा ना, चलो भैया बच्चों अब ये भैया एलिगेटर भैया ने सब मामला गड़बड़ कर दिया यार, अब हमको वर्क करना पड़ेगा, अब हम क्या करें, हम सब सेम साउंड के वर्ड्स को अलग अलग करते हैं, इन्होंने सब मिक्स कर दिया है, हमको अब हेल्प करना है इनकी, टू सॉर्ट आउट देम इन द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर एंडिंग साउंड, अकॉर्डिंग टू साउंड हमको अलग अलग इनको निकालना है, इन्होंने सब मिक्स कर दिए हैं,
है ना, अब इनसे बन नहीं रहा है, अब हेल्प तो इनकी करना पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे तो काट लेंगे यार, तो फिर अपने को चले करें ना, चलो हम करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पर, मेन, फेट, मेट, ड्रेन, एड, पॉप, फैन, डाउन, डेड, शॉक, ब्रेन, फ्रोन, ट्रेन, क्राउन, पेन, पेन, कॉक, ब्राउन, प्लेट, हैंड, राइट। अब देखिए हमको किस कैटेगरी में अलग अलग करना है, यहाँ पे हेडिंग दे रखा है, टेन के जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले सब एक जगह लिखे हैं, टॉप वाले, गेट वाले, टाउन वाले, रेन वाले और केक वाले, है ना, जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके बच्चों, तो देखिए पहले टेन, अब देखिए इसके अंदर हम छांटेंगे तो टेन के जैसे कौन कौन से मिल जाएंगे, देखिए मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप देखिए मेन, वेन, पेन, हैन, मैन, पेन, पेन, हैन, मैन, वैन, पेन, हैन, है ना, ऐसे टॉप से, पॉप, कॉप, शॉप, सेम है बिल्कुल। आप गेट पे देखिए, मैट, डेट, एट, प्लेट, फैट, राइट। अब देखिए आप टाउन में, टाउन, डाउन, ब्राउन, क्राउन, फ्रॉम, राइट। अब रेन वाले देखिए, रेन, पेन, ब्रेन, ट्रेन, ड्रेन, अंडरस्टूड। और केक से रेमिंग वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो ये इतने सारे जो वर्ड दिए थे ना हमने सब छांट लिए अलग अलग, ये टेन, ये टॉप वाले, टेन जैसा प्रोनाउंसिएशन, टॉप जैसा प्रोनाउंसिएशन, गेट जैसा प्रोनाउंसिएशन, टाउन जैसा, एज वेल एज रेन जैसा, अंडरस्टूड ना, है ना। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए मैं बताता हूँ, आप बताइए इसका आंसर, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर डिफरेंट येट टुगेदर दे फार्म अल्फाबेट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अल्फाबेट। सिमिलरली डू यू थिंक इवन दो वी आर डिफरेंट टुगेदर वी कैन फार्म ए हैप्पी वर्ल्ड। अब आपको बताना, देखिए क्या होता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट दे आर डिफरेंट बट वो एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद क्या बनाते हैं, अल्फाबेट बनाते हैं, और उससे पूरा का पूरा हम जो भी वर्ड्स वगैरह जो भी फ्रेम करते हैं उन्हीं की हेल्प से करते हैं। तो आपको ये बताना है कि आप क्या सोचते हो कि इवन दो वी आर डिफरेंट टुगेदर वी कैन फार्म ए हैप्पी वर्ल्ड, हम अलग अलग हैं क्या हम सब एक होके एक अच्छा हंसता हुआ संसार बना सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल बना सकते हैं, टुगेदर वी कैन फार्म ए हैप्पी वर्ल्ड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे यस, अंडरस्टूड, आया आपको समझ में? ओके, ये हमारा कौन सा लेसन हो गया बच्चों, फर्स्ट। ओके, अब हमारे सेकेंड चैप्टर के ऊपर, नेमिंग वर्ड्स, क्या नाम है हमारा सेकेंड चैप्टर का, नेमिंग वर्ड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड्स हैं ना उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, नाम होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिफाई करेंगे सभी नेमिंग वर्ड्स का, वो नाम जिनसे बनते हैं नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, उनको पहचानेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखिए एक पोएम हम देखते हैं, ऑल द थिंग्स दैट हैव ए नेम कैन बी रेडी टू प्ले दिस गेम। ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ जिनका नाम होता है वो काय में आती है बच्चों, वी विल इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ नेमिंग वर्ड्स। तो कम बी रेडी टू प्ले दिस गेम, एक गेम हम प्ले करते हैं यहाँ पर, गर्ल एंड बॉय, बुक एंड टॉय, हार्ट एंड बैट, रेड एंड कैट। देखिए क्या लिखा है, गर्ल एंड बॉय, बुक एंड टॉय, हैट एंड बैट, रेड एंड कैट, क्लोन इन ए टाउन, वेयरिंग बूट्स एंड ए गाउन, केम एंड जॉइन दिस गेम ऑफ नाउन। फिर से देखिए आप, गर्ल एंड बॉय, बुक एंड टॉय, हैट एंड बैट, रेड एंड कैट, क्लोन एंड टाउन, बूट्स एंड गाउन, है ना, एंड ए क्लास नाउन। अब देखिए यहाँ पर ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम आर नेमिंग वर्ड। इस पोएम में देखिए जितने भी अंडरलाइन है ना ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। क्या है बच्चों, ये नेमिंग है, किसी न किसी चीज के नाम को ये बताते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ, ये नेम किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, एनी थिंग, है ना। मीन्स व्हाट वी कैन से, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग वर्ड आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ओके, आया समझ में, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड ऑल। अब देखिए हम बात करते हैं पर्सन की, फिर प्लेस की, फिर एनिमल एंड फिर थिंग। अब पर्सन में कुछ भी हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, फादर या किसी का भी नाम, राइट, आर्यन हो गया, हीना हो गया, सिस्टर हो गया, फादर हो गया, दे आल आर द नेम ऑफ पर्सन। अब हम बात करते हैं प्लेस, प्लेस के अंदर देखिए, माल, पार्क, गार्डन,
जू, ये सब क्या है? नेम ऑफ प्लेस। अब एनिमल की बात करते हैं, मॉन्की, पिकॉक, फ्रॉग, है ना, पिजन, ये सब क्या है? एनिमल। किसके नेम है? एनिमल के नेम है। मंकी है, पिकॉक है, फ्रॉग है, पिजन है। थिंग की हम बात करें, कोई सी वस्तु हो सकती है, एनीथिंग, पेंसिल, बस, प्लांट, बनाना, ये सब क्या है? दे आर नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग। तो भाई क्या बात करी थी हमने, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये देखिए, ये पर्सन है, ये प्लेस के एग्जांपल है, ये एनिमल के एग्जांपल है, थिंग के एग्जांपल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नेमिंग वर्ड। आ गया ना समझ में नेमिंग वर्ड? कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी एनिमल का नाम और कोई भी थिंग का नाम, दे ऑल आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ नेमिंग वर्ड्स, है ना। अभी चलिए हम और डिटेल पढ़ते हैं इसको। चलिए हम चलते हैं एक पार्क के अंदर, है ना। देखिए पार्क एक बहुत ब्यूटीफुल पार्क दिखाई दे रहा है ना। तो व्हाट वी कैन से, ऑल पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, दे हैव नेम्स, सो वी कैन इंक्लूड देम इन द कैटेगरी ऑफ नेमिंग वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेम ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, राइट। पहले तो ये पार्क देखा आपने, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिसका नाम रहेगा, करेक्ट। अब नेम ऑफ थिंग्स में हम आते हैं। देखिए नेम ऑफ थिंग्स में आप देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पेंसिल है ना, पिजन है, पिकॉक है, मंकी है, राइट। अब नेम ऑफ थिंग्स में देखिए, कप, सॉक्स, क्रेयॉन्स, कीज, ये सब क्या है? नेम ऑफ थिंग्स। अब हम आते हैं नेम ऑफ प्लेस पे। अब देखिए, किचन, स्कूल, पार्क, क्लासरूम, दे आर नेम ऑफ प्लेसेस, राइट। अब हम नेम ऑफ पीपल पे आते हैं। देखिए, पोलिसमैन, पेंटर, पोस्टमैन, बेबी, दे आर नेम ऑफ पीपल। तो देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ पीपल, ओके। अब देखिए हम आते हैं नेम्स ऑफ एनिमल्स में। किस में आ रहे हैं हम? नेम्स ऑफ एनिमल्स। देखिए नेम्स ऑफ एनिमल में, ये क्रो, ये बुलबुल, टाइगर, राइट। तो व्हाट वी कैन से बच्चों, कॉमन नेमिंग वर्ड्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड। हम क्या बोल सकते हैं, हमेशा हमको ध्यान भी रखना है कि कभी भी आपके जो कॉमन नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है। कॉमन नेमिंग वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है, इट इज़ नॉट कैपिटल। आप देख सकते हो, क्रो का सी स्मॉल है, बुलबुल का बी स्मॉल है, टाइगर का टी स्मॉल है। अंडरस्टूड, क्लियर दिस थिंग? देखिए हमने पढ़ा नेम ऑफ एनिमल, उसके पहले हमने पढ़ा नेम ऑफ पीपल, फिर देखा हमने नेम ऑफ प्लेसेस, फिर हमने देखा नेम ऑफ थिंग्स। अब हम आते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। एवरीडे लाइफ में क्या होता है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, राइट और नॉट, उनका अलग अलग नाम होता है, राइट। देखिए, इन आवर एवरीडे लाइफ वी मीट डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट वर्क, ऑल ऑफ देम हैव नेम्स, लेट्स टेक ए लुक एट अ फ्यू नेम्स। कुछ नेम जो हम डेली देखते हैं, जो हम हमारी डेली लाइफ में हमको कहीं ना कहीं नजर आते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, ए पर्सन हु कुक्स इन ए रेस्टोरेंट आर होटल इज ए शेफ। ए पर्सन हु कुक्स इन ए रेस्टोरेंट और होटल, इसको हम क्या बोलते हैं? शेफ बोलते हैं। अंडरस्टूड? ए पर्सन हु क्रिएट्स म्यूजिक, हु क्रिएट्स म्यूजिक, क्या बोलते हैं बच्चों उसको? म्यूजिशियन। ये देखो पर्सन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, पियानो के साथ है ये, क्या बोलेंगे हम इनको? म्यूजिशियन। इनको क्या बोलेंगे हम? शेफ बोलेंगे। देखिए ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, राइट। अब आगे आइए, ए पर्सन हु सेव्स यू फ्रॉम ड्रॉइंग इन बीच आर पूल इज लाइफ गार्ड। देखिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सन, किस पर्सन की? हु सेव्स यू, जो आपको बचाता है। कैसे बचाता है? ही सेव्स यू फ्रॉम ड्रॉइंग इन बीच आर पूल। कभी कभी क्या होता है, जब आपको तैरना नहीं आता है ना, स्विमिंग पूल में आप चले जाते हो, कभी कभी समुद्र के किनारे, कभी कभी नदी के किनारे, और यदि हम गहरे पानी में चले गए और ऐसा लगा कि भाई हम तो डूब जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, एक कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीपल्स रहते हैं जो हमारे को बचाते हैं, हमारे को डूबने नहीं देते हैं। उन पर्सन को हम बोलेंगे लाइफ गार्ड। क्या बोलेंगे बच्चों उनको? हम बोलेंगे लाइफ गार्ड। क्या बोलेंगे हम उनको? लाइफ गार्ड, है ना। आप देख सकते हो ये कौन है? लाइफ गार्ड। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं एक्टर की। यू नो, यू आर फेमिलियर, ए पर्सन हु एक्ट्स इन प्लेस, टीवी शोज आर मूवीज, है ना, टीवी में काम करने वाले, राइट, है, किसी भी नाटक में, प्ले में काम करने वाले। प्ले मतलब खेलना नहीं भाई, ये प्लेस मतलब क्या होता है? नाटक, है ना, टीवी शो आर मूवी, हम उनको क्या बोलते हैं? एक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उनको बोलेंगे एक्टर। इज दैट क्लियर? आप नाटक देखते हो, है ना, टीवी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, तो एक्टर रहते हैं या नहीं होते? अंडरस्टूड? ओके,
अब देखिए, अब हम आते हैं एक और, टेलर, जो हमारे कपड़े सीते हैं, राइट। अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर अस इज ए टेलर। ए पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर अस इज ए टेलर। अंडरस्टूड टेलर। अब देखिए हम पुलिसमैन की बात करते हैं। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, कानूनी व्यवस्थाओं को बनाए रखना। जो व्यक्ति कानूनी व्यवस्थाओं को बनाए रखता है, जो लोग गलत काम करते हैं उनको सजा देता है, उनको पकड़ के और जेल में बंद कर देता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, पुलिसमैन। क्या बोलते हैं, पुलिसमैन। तो देखिए मैंने किस किस के बारे में आपको बताया, शेप के बारे में, म्यूजिशियन के बारे में, लाइफ गार्ड, एक्टर, टेलर, पुलिसमैन। अंडरस्टूड, ओके। ये क्या है कि हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर हम कहीं ना कहीं इन लोगों को देखते हैं, इनके अलग अलग वर्क से इनको हम पहचानते हैं। अंडरस्टूड, ये क्या है, नेम ऑफ सम स्पेशली स्पेसिफिक प्रोफेशन, है ना। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर वन पे, बहुत सिंपल है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द नेमिंग वर्ड्स। आपको पिक्चर देखना है और ये स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है बच्चों, ये ट्री, राइट स्पेलिंग ऑफ ट्री, टी आर डबल ई। लुक हियर, व्हाट इज दिस फिश, व्हाट डू यू राइट, एफ आई एस एच, राइट। व्हाट इज दिस कार, सी ए आर, ओके। अब देखिए, व्हाट इज दिस टाइगर, टी आई जी ई आर, ओके। अब देखिए क्या है ये, पैरोट, पी ए डबल आर ओ टी। ये देखिए क्या है भाई, हैप्पी बर्थडे का केक, यस केक। क्या स्पेलिंग इसकी, सी ए के ई। अंडरस्टूड, क्लियर दिस थिंग, ओके। अब आ जाइए हम वर्कशीट नंबर दो पे, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेडी द फ्रॉग, ये फ्रॉग है हमारे, फ्रेडी भैया, हेलो फ्रेडी, हाउ आर यू। चलो ये सभी बच्चे आपसे हेलो कर रहे हैं, ये देखो भैया फ्रेडी को देख के हेलो करो इनसे, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गोल मटोल हैं हमारे, है ना। फ्रेडी भैया क्या है, ये छोटे से मेंढक हैं, फ्रॉग हैं, इनसे हेलो कर लिया आपने। देखो क्लोजअप में देखो इनको एक बार, अच्छे से हेलो बोलो यार इनको, हाय फ्रेडी, हेलो हाउ आर यू। अरे देखो इनकी आईज कैसी है ना, गर्ल मटेरियल, वाओ। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, फ्रेडी भैया क्या कह रहे हैं, द फ्रॉग वांट्स यू टू कलर द बॉक्सेस दैट हैव नेमिंग वर्ड्स। क्या करना है हमको, नेमिंग वर्ड्स पे कलर करना है। नेमिंग वर्ड्स जो भी हैं उस पर हमको कलर करना है। मैं आपको नेमिंग वर्ड्स बता देता हूँ, आप कलर कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेना। ये एक्शन है ना, होप, है ना, ये नेमिंग वर्ड्स नहीं है। अब देखिए हैन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस पर आपको कलर करना है इस बॉक्स के ऊपर। स्कूल भी नेमिंग वर्ड्स है, आइस है ना नेमिंग वर्ड्स है, बर्फ, ओके। केक भी नेमिंग वर्ड्स है, डॉग, यस नेमिंग वर्ड्स, टेबल, यस नेमिंग वर्ड, स्लीप नहीं है, डॉक्टर, यस नेमिंग वर्ड, पेंसिल, यस नेमिंग वर्ड्स, पैरोट, यस नेमिंग वर्ड्स, काउ, यस नेमिंग वर्ड, इट नहीं, खाना ये नहीं, क्राय नहीं, बर्ड, यस नेमिंग वर्ड। तो वर्कशीट नंबर टू में आप समझ गए, कुछ जो जो नेमिंग वर्ड्स हैं कुछ नहीं करना है, जैसे ये बॉक्स को आप कंप्लीट करना, राइट, और इस पे कलर कर देना, सिंपल लाइक दिस। ऑल जो हमने अंडरलाइन करें, कर लोगे ना, अरे बिल्कुल कर लोगे सब, आप तो अच्छे समझदार इंटेलिजेंट बच्चे हो, यस। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर तीन पर, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमको क्या करना है, यूज द वर्ड्स गिवन इन वर्कशीट टू एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब हमको कौन कौन से वर्कशीट नंबर टू के वर्ड्स यूज करना है, ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पढ़े हैं ना, यही वर्ड्स हमको यूज करना है, और विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड हमको क्या करना है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक को फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं फिलअप मैंने कर दिए, आप देख लीजिए बिल्कुल। देखिए द गिव्स अस मिल्क, बच्चों कौन मिल्क देता है, काऊ, कौन देता है, काऊ, अंडरस्टैंड। फिर देखिए, ए वर्क इन अ हॉस्पिटल, Who work in a hospital? Doctor. Who? Doctor. फिर देखिए, I go to the by bus. कहाँ जाते हो भाई? By bus. School. कहाँ जाते हैं? School. अगला देखिए, the book are on the. कहाँ है भाई books? Table. कहाँ पर है books? Table पे. Right? A is green in color. कौन है green color में? Parrot. कौन है? Parrot. आपको क्या fill up करना है? Cow. Doctor. है ना, स्कूल, टेबल एंड पारो, ओके। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, इस वर्कशीट नंबर थ्री पे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सम वर्ड्स आर गिवन इन द क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सॉर्ट आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये क्लू बॉक्स में जो दिया है, यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चों, नेमिंग वर्ड्स निकालना है, नेमिंग वर्ड्स को निकाल के नीचे लिखना है, और जो नेमिंग वर्ड्स नहीं उनको छोड़ना है। अब देखिए आप, सभी कुछ नहीं किसी चीज का नाम है ना, कुछ ही एक्शन है, जैसे सिंगिंग एक एक्शन है, इसको हटा दो, एक होप इसको हटा दो, एक जम्प इसको हटा दो, बाकी सब नेमिंग वर्ड्स है। दिल्ली, पेंसिल, ताजमहल, आउल, स्नेक, एलिफेंट, जू, टेबल, पिकॉक, ये सब क्या है, दे आल आर नेमिंग वर्ड्स। क्या है बच्चों, ये सभी नेमिंग वर्ड्स हैं। दिल्ली, पेंसिल,
ताजमहल, एलिफेंट, आउल, पिकॉक, जू, टेबल, स्नैक, दे आल आर नेमिंग वर्ड्स। तो आप समझ ही गए होंगे नेमिंग वर्ड्स इतनी बार बता दिया मैंने, अब तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये नेमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। आ गया ना समझ में? वेरी गुड। चलिए एक थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बता सकते हो बिल्कुल। देखिए एक बॉय है इन योर क्लास, आपकी क्लास में, उसको एक हैबिट है। क्या है कि हैबिट है? ए बॉय इन योर क्लास हैज ए हैबिट ऑफ राइटिंग हिज नेम कहाँ पे? ऑन क्लास वॉल, डेस्क एंड इवन ऑन नोटबुक ऑफ अदर। ओ माई गॉड, वेरी बेड हैबिट यार। हैं क्या क्या करता है क्लास में? नाम लिखना, लिखते हैं ना आप में से कुछ बच्चे हैं? और गोइंग टू राइट नेम ऑन द क्लास वॉल, हैं नेम ऑन द डेस्क एंड इवन ऑन द नोटबुक, एंड गोइंग टू राइट नेम ऑन द नोटबुक, है ना? इज दिस ए गुड हैबिट? ये गुड हैबिट है? नो, वेरी बेड। तो हम क्या काय पे रहेंगे? नो। क्या आएगा बच्चों? नो। इज दिस ए गुड हैबिट? नो। राइट, समझ में आ रही है मेरी बात को? इज दिस ए गुड हैबिट? नो, है ना? ये वाला आंसर हमको यहाँ पर लिखना है। आया समझ में? ओके, तो आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, बोथ द चैप्टर, एंड आई ट्राइड टू क्लियर यू ऑल द थिंग्स। कौन कौन से चैप्टर पढ़े बच्चों हमने, एक बार फिर से बताता हूँ। हमने कहाँ से पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉन्ग ओवर वर्ड एंड शॉर्ट ओवर वर्ड, है ना? फिर हमने वर्कशीट नंबर 6 को देखा, वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्व किया, है ना? ये हमने फिर लॉन्ग ओवर वर्ड और शॉर्ट ओवर वर्ड्स पूरा कंप्लीट किया। फिर हमने रैमिंग वर्ड्स पर फोकस किया, रैमिंग वर्ड्स पर फोकस करके वर्कशीट नंबर 8 को हमने किया, राइट? यही नेमिंग रैमिंग वर्ड्स की हेल्प से हमने वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व किया, राइट? फिर हमने नेमिंग वर्ड्स पे आए, रेमिंग हमने कंप्लीट किया, हम नेमिंग वर्ड्स पे आए, है ना? उसको आइडेंटिफिकेशन हम नेमिंग वर्ड्स किया, एक पोएम को पढ़ के हमने पहचाना कि भाई देखिए जो जो अंडरलाइन है सब नेमिंग वर्ड्स हैं, राइट? नेमिंग वर्ड्स में हमने जाना कि पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, सभी का जो भी नाम है वो सब नेमिंग वर्ड्स है। हमने वहाँ पढ़ा पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में, थिंग के बारे में, राइट? फिर हमने कुछ पिक्चर भी देखे, नेम ऑफ थिंग, फिर हमने देखा नेम ऑफ प्लेसेस, फिर हमने देखा नेम ऑफ पीपल, राइट? अब नेम ऑफ पीपल के बाद हमने देखा नेम ऑफ एनिमल, फिर हमने देखा नेम ऑफ सम प्रोफेशन, हमने शेप को देखा, हमने म्यूजिशियन को देखा, हमने लाइफ गार्ड को देखा, हमने एक्टर को देखा, हमने टेलर को देखा, हमने पुलिसमैन को देखा, राइट? सब नेमिंग वर्ड थे, हम समझ गए इन चीज़ों को। इसी हेल्प से हमने क्या करा, फिर वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करा, कुछ स्प्लिंक वर्ड्स हमने लिख दिए बीच में लेटर और उसको कंप्लीट कर दिया। फिर हमने वर्कशीट नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया, इसमें जितने भी नेमिंग वर्ड थे उसको हमने बॉक्स बनाएंगे और उस पर हमने कलर कर दिया। तो होप यू एंजॉयड दिस लेसन। फिर हम आइए वर्कशीट नंबर 3 पे, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसके वर्ड हमने वर्कशीट नंबर 2 से लिए, एंड देन वी कंप्लीटेड वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पे हमने काउ, है ना, डॉक्टर, स्कूल, टेबल, पैरेट, सभी कुछ देखा, और फिर लास्ट में हमने क्या करा, शॉर्ट आउट द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को हमने शॉर्ट आउट करके लिख लिया, जो नेमिंग वर्ड्स नहीं थे उनको छोड़ दिया। सिंपल। होप यू एंजॉयड दिस लेसन। ओके, टेक केयर, बाय।